कार्यक्रम में शिरकत करने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। सपा मुखिया ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत तमाम बुनियादी मुद्दों को लेकर परेशान है और बीजेपी झूठे विकास के नाम पर उनका ध्यान भटका रही है। आजमगढ़ के दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। देश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर बीजेपी उन्हें झूठे विकास का सपना दिखा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है और आगे भी इसकी कोशिश जारी रहेगी। सपा मुखिया ने कहा कि पार्टी ने सभी रंगों का गुलदस्ता तैयार किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि महंगाई कम करें, नौकरी रोजगार का इंतजाम करें, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी मिलें। लैपटॉप चला नहीं सकते इसलिए लैपटॉप देना नहीं चाहते, 4.5 साल टैबलेट देते रहे, अभी भी टैबलेट दे रहे हैं, टैबलेट असली नहीं मिली अभी तक। जो आना चाहेगा, जो अच्छा छवि का होगा उसका सबको लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले की सरकार में प्रोजेक्ट अटकाने भटकाने के सवाल पर सपा सुप्रीमो ने कहा कि उनकी सरकार ने कभी केंद्र के प्रोजेक्ट को नहीं रोका बल्कि हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस किए जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार का एक गलत फैसला था, इसी कारण इसे वापस लिया गया। किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। कृषि कानून जो वापस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार की नीति और नियत दोनों से हैरान परेशान है और विधानसभा चुनाव बना चुकी है। सपा मुखिया ने कहा कि बीते 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने प्रदेश को सिर्फ तबाह और बर्बाद किया।